बीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर भोजपुर में किया नुक्कड़ नाटक जागरूकता रथ यात्रा का शुभारंभ। 20 से 22 मई तक चलेगा जागरूकता कार्यक्रम। परी में विकास संवाद परी ने एड के सहयोग से संचालित टीवी निवारण परियोजना के सभी गांवों में टीवी पर रोकथाम एवं भ्रांतियों पर नुक्कड़ नाटक जागरूकता कार्यक्रम पोहरी में 20 मई से 22 मई तक चलाया जा रहा है, जिसमें सहरिया समुदाय में टीवी पर जागरूकता हो और टीवी पर जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके। नुक्कड़ नाटक जागरूकता रथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर पोहरी बीएमओ डॉक्टर महेंद्र सिंह धाकड़, डॉक्टर थानेदार सिंह, डॉक्टर सुधा पटेल तथा मल्टी स्पेशलिस्ट सुमन कुमार सोलंकी एवं विकास संवाद पोहरी से जिला समन्वयक अजय यादव, कम्युनिस्ट्री मार्वलाइजर सुनील शर्मा, वर्षा ओझा तथा ग्राम पंचायत की सरपंच बनवारी आदिवासी आशा कार्यकर्ता कुसुम आदिवासी उपस्थित रहे। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। टीवी परियोजना में आज से नुक्कड़ नाटक जागरूकता रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इसका हरी झंडी दिखाकर बीएमओ महेंद्र सिंह धाकड़ के द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यह है कि शहरिया में टीवी अगर देखा जाए तो बहुत है और उस टीवी को शहरिया टीवी ना मानते हुए दूसरी तरह की चीज़ें मानता है, जैसे किसी ने कुछ कर दिया है और उसके बदले में फिर वो जो जादूगर हैं देवी देवता हैं उनके चक्कर लगाता रहता है। उस समय तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, आखिर में जाके तब वो जाके कई सरकारी दवा लेता है और फिर बीच में उस दवा को भी छोड़ देता है क्योंकि बोले आराम मिल गया, वो देवता ने कर दिया है। इन भ्रांतियों को रोकने के लिए विकास संवाद के द्वारा नुक्कड़ नाटक और रोल प्ले, पोस्टर, पैम्पलेट आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये टीवी निवारण परियोजना के सभी गाँवों में हमारा रथ जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा।